हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईडी गर्मा। हम लोग पहुंच चुके हैं थर्ड एंड लास्ट हीट पर एओडी की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको फायदा मिल रहा होगा। जिन लोगों जो लोग भी रह गए हैं, जो लोग शीट नहीं देख पा रहे हैं, और भी बच्चे मुझसे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें शीट नहीं मिल रही है। तो बच्चों, आईडी गर्मा बाय पीवी सर नाम से ये चैनल भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, सेम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्च करेंगे आईटी गर्मा बाय पीवी सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर शीट पड़ी हुई है, आप उसे शीट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड शीट है, मेरे ख्याल से आप लगा चुके होंगे। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं और इसके बाद हम एरिया अंडर कर्व लेंगे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस कंप्लीट होगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम था, इफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एट द पॉइंट C into e to the power C, अब C कोई भी पॉइंट ले लिया है, ठीक है, एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट 1.2 इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब हो क्या रहा है, C की वैल्यू बतानी है। ये बोल रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया 1.2 पे, 1.2 इस पे लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 1.2 पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, वही इस C पॉइंट पे जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट भी उसी पॉइंट पे कट कर रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। कैसे निकालेंगे, तो मैंने y इक्वल टू e की पावर x था, डिफरेंशिएट किया y डैश, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी e टू द पावर x, x की जगह क्या रखना है C, तो e टू द पावर C, तो लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू e टू द पावर C x माइनस x1। So this is y is equal to e to the power c, उधर ले देते हैं, so it is x minus c plus 1, ऐसा आ गया। ठीक है, ये tangent है। अब ये tangent x है, कहां पर कट कर रही होगी, जहां पर y की वैल्यू जीरो होगी, वहीं पर x एक्सिस कट हो रहा होगा, तो y की वैल्यू जीरो करी तो x इक्वल टू आ रहा है c माइनस 1। ठीक है, ये x की वो वैल्यू आ रही है जहां पर ये tangent x एक्सिस को कट कर रही है, और वही सेम इसी सेम वैल्यू पर इस कर्व पर जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर, वो भी एक्स एक्सिस को सेम पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका नॉर्मल की स्लोप निकाल लेते हैं। अब नॉर्मल के लिए आपकी मर्जी, आप डिफरेंशिएट कर लें। तो मैंने डिफरेंशिएट किया 2y y डैश इक्वल टू कितना है 4, y की वैल्यू कितनी दी है 2, पॉइंट पुट किया तो y डैश आ गया 1, ये टेंजेंट का स्लोप आया, हमें नॉर्मल चाहिए, ध्यान रखना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस 1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, तो दैट विल बी y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। अब ये भी x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, जहां पर y जीरो होगा, तो y को जीरो कर दो, y को जीरो कर दिया तो माइनस x इक्वल टू है माइनस 3, सो x इक्वल टू आ रहा है 3, दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल, सो c माइनस 1 इक्वल टू 3, सो c की वैल्यू कितनी होगी 4, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, c की वैल्यू 4 आ रही है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। देन अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियबल ऑन 1 to 6, एफ ऑफ 2 इज 8, एफ डैश 2 इज 5, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स में इनइक्वलिटी दी है 1 से 6 के बीच में। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, हमसे जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि फंक्शन एफ डैश एक्स ट्वाइस डिफरेंशियबल है। आपको याद हो एलएमवीटी करके, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करके एक थ्योरम है, और रोल्स थ्योरम है एक, एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, तो एलएमवीटी ये बोलती है कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशियबल होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उस केस में एफ डैश एक्स जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होता है। अब ए से बी कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमें क्या दिया है। जैसे 1 से 6 के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, क्योंकि 1 से 6 तक अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो 1 से 5 तक भी होगा, वो 2 से 6 तक भी होगा, वो 2 से 3 भी होगा, 2 से 4 भी होगा, 2 से 5 भी होगा, आप कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं। तो इसमें इसने जो यूज किया है उससे चलेंगे। कैसे चलेंगे, देखो इसने एफ ऑफ 2 एफ डैश 2 दिया है, मतलब 2 यूज होगा, और हमसे पूछ क्या रहा है, 6 और 1 नहीं पूछ रहा, हमसे 5 पूछ रहा है। तो अगर हमें 5 पूछ रहा है और 2 दिया है तो हम 5 और 2 लेंगे। कैसे, फॉर्मूला होता है एलएमबीटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
भले एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है एलएमबीटी में, और रोल्स थ्योरम में एफ डैश ए एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है, बट रोल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमबीटी, तो एलएमबीटी में ही उसे कंसीडर कर लेते हैं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है फॉर सम वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ठीक है, जो केस एफ डैश और एफ एक्स में बन रहा है वही केस अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशियबल है वही केस एफ डबल डैश एक्स में भी बनेगा, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ डैश, यही केस इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें जो वैल्यू चाहिए और जो गिवन है, टू गिवन है और फाइव चाहिए, तो मैं टू से फाइव के बीच में बनाता हूं पहले ये वाला केस। तो मैं कहूंगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स दिया था, एफ डैश एक्स होगा क्या अगर टू और फाइव लेंगे, तो एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ टू अपॉन फाइव माइनस टू, और ये क्या दिया है ग्रेटर इक्वल टू वन। अब एफ ऑफ फाइव की वैल्यू निकाले, सब दिया हुआ है, ये हो गया थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये थ्री, इसको उधर ले जाएंगे प्लस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू कितना दिया है एट, तो ये भाई आ गया इलेवन, तो एफ ऑफ फाइव की वैल्यू आ गई है ग्रेटर एंड इक्वल टू इलेवन, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, दूसरा केस होगा एफ डबल डैश एक्स, क्या होगा एफ डैश फाइव, क्योंकि हमें एफ डैश फाइव चाहिए और एफ डैश टू हमें दिया हुआ है, माइनस एफ डैश टू अपॉन फाइव माइनस टू, क्या ये क्या दिया है ग्रेटर एंड इक्वल टू फोर, तो यहां से एफ डैश फाइव निकल जाएगा, कितना होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये फिर से थ्री है, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ये उधर जाएगा प्लस एफ डबल डैश टू दिया है, एफ डबल डैश टू दिया है फाइव, एफ डैश फाइव इज इक्वल टू सेवनटीन, और एफ ऑफ फाइव कितना था इज ग्रेटर एंड इक्वल टू इलेवन, दोनों को एड करना, एफ डैश फाइव प्लस एफ ऑफ फाइव इज नथिंग बट ग्रेटर एंड इक्वल टू ट्वेंटी एट, सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है इफ एक्स इक्वल टू वन इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट अगर कोई पॉलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है जो कि हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, ई की पावर एक्स भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल होगा, तो अगर ऐसा होता है तो एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स को जीरो करना है। ठीक है, बोल रहा है एक्स इक्वल टू वन पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एफ डैश एक्स लेता हूं, एफ डैश एक्स कितना होगा प्रोडक्ट रूल लगाए, सो इट इज सिक्स एक्स प्लस ए ई की पावर एक्स सेम प्लस इट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू माइनस ए और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर। क्लियर, अब ये जीरो हो रहा है एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो वन पुट किया एफ डैश एक्स जीरो हो गया, क्रिटिकल पॉइंट है, वन पुट किया इट इज सिक्स प्लस ए और e की पावर x कॉमन निकाल लिया प्लस वन पुट किया थ्री प्लस ए माइनस टू माइनस ए इंटू ई, ई तो हट जाएगा, ई जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा तो a से a कट गया, सो दैट विल बी a, दिस इज नाइन सो इट इज माइनस टू सेवन, ए प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तो a की वैल्यू यहां से माइनस सेवन आ गई। अब हमसे मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू माइनस सेवन एफ डैश एक्स में रख के फैक्टराइज कर दें, तो e की पावर x कॉमन निकाल लिया, अब आप a की जगह 7 रखते हैं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर, ये x है यहां पर माइनस 7x हुआ और ये प्लस 6x तो माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 7 है और ये प्लस का है, ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2, सो इट इज माइनस 2, यहां तक आ गए। नाउ दिस विल बी 0 बट फैक्टराइज कर लो, पहले फैक्टराइज कर लो, तो एफ डैश एक्स e टू दी पावर x जो कि कभी जीरो होता नहीं है, e की पावर x कभी जीरो नहीं होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, सो फाइनली व्हाट वी गेट 3x प्लस 2 इनटू x माइनस 1। अब आप चाहें तो जैसे अपन मेथड ऑफ इंटरवल की तरह बना लेते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट सबका पॉजिटिव है, ये जीरो होगा नहीं, ये दोनों जीरो हो रहे हैं, माइनस 2 बाय 3 एंड 1 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस क्या दिखा रहा है, ये वो इंटरवल है जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये नेगेटिव मतलब वो इंटरवल जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा मतलब फंक्शन
एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब माइनस टू बाई थ्री पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। ये माइनस है मतलब ये डिक्रीज कर रहा है यहां तक, और फिर ये पॉजिटिव है मतलब यहां पे इंक्रीज करेगा एफ एक्स। एफ डैश एक्स निगेटिव था, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, मतलब फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीजिंग, तो मिनिमा यहां पर मिनिमा बन रहा है और यहां पर मैक्सिमा बन रहा है। सो इट विल गेट एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, इट विल गेट मिनिमा एंड माइनस टू बाय थ्री पे मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, आइए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है भाई, सुन लेते हैं इसकी भी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने का नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन एफ आर टू आर विथ एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ वन, इन दोनों पे जीरो हो रहा है, ठीक है, ये रहा जीरो, ये रहा वन, ठीक है, इन दोनों पे जीरो हो रहा है, यहां पे भी कट कर रहा होगा, यहां पे भी, और एफ डैश जीरो भी जीरो हो रहा है, मतलब जीरो पर जीरो भी है और dy y dx भी जीरो है, dy dx जीरो मतलब x एक्सिस खुद टेंजेंट हो गई है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कर्व ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, कैसे भी बना ले, मैंने मान लो ऐसे बनाया तो ये टच करेगा, मतलब dy dx जीरो हो रहा है एट x इक्वल टू जीरो, मतलब x एक्सिस खुद इसके लिए क्या है, टेंजेंट, और वन पर भी ये जीरो हो रहा है, तो वन पे टच करेगा कट करेगा पता नहीं, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है तो कट तो करके जा ही रहा होगा, या तो कर्व ऐसा बनेगा या आप कर्व ऐसा भी बना सकते थे कि भाई यहां पर टच करेगा और फिर कट करके जाएगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, गिवन नहीं है। तो अब ये एफ डबल डैश एक्स की बात कर रहा है, तो यार सुनना, एफ डबल डैश एक्स क्या देता है, एफ डबल डैश एक्स रिप्रेजेंट दी कॉनकेविटी, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अप, ये मैं पहले ही बता दूं, आगे भी कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो, या आपको कभी भी दिक्कत आए तो पहले ही बता दूं, कॉनकेव डाउन। एंड एफ डबल डैश एक्स अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि, और अगर ये डिफरेंशियल फंक्शन है और ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि कॉनकेविटी चेंज हो रही है वहां, ठीक है, तो आप ये देखो कॉनकेविटी चेंज हो रही है क्या, तो ये कॉनकेव अप था, यहां पर कॉनकेव अप था, यहां तक कॉनकेव अप था और फिर कॉनकेव डाउन हो गया, इसकी कॉनकेविटी डाउन हो गई अप से, तो अप से डाउन किसके बीच में हुई, यहां पर कहीं हुई, ये अप चल रहा था, अप चलते चलते अचानक से क्या हो गया, डाउन हो गया, मतलब यहां पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिला होगा x1 विच इज लाई बिटवीन 0 टू 1 वेयर f डबल डैश x1 विल बी 0, कॉनकेविटी 0, सो f डबल डैश x नॉट इक्वल टू 0, ये गलत है, f डबल डैश x इक्वल टू 0 फॉर सम 0 टू 1, बिल्कुल सही दिख रहा है, f डबल डैश 0 एट एवरी पॉइंट नहीं, कोई एक पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है, एवरी पॉइंट पे नहीं कह सकते, तो आंसर जो होगा वो 2 होगा, ये बात क्लियर हुई सबको, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एफ डबल डैश एक्स जीरो जीरो नहीं होगा क्योंकि कॉन्केविटी अप है, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव मिल रहा होगा, जीरो पे जीरो नहीं मिल रहा होगा, ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़े। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखते हैं, ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, द वैल्यू ऑफ सी इन विच द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन दिस व्हेन एक्स की वैल्यू क्या दी है, जीरो से वन, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एफ डैश सी क्या होता है, सी क्या होता है, वो पॉइंट जहां एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, हमें केवल सी की वैल्यू निकालनी है, तो एफ डैश सी मतलब डिफ्रेंशिएट करके सी की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स के एस सी रख देंगे, डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा थ्री सी स्क्वायर माइनस एट सी प्लस एट, ठीक है, और एफ ऑफ बी हमें चेक करना नहीं है लैग्रांज, उसने बोला है कि लैग्रांज है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होता ही है, तो जीरो से वन के बीच में किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है, इज इक्वल टू बी और ए क्या है, जीरो और वन, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन वन माइनस, तो दैट इज थ्री सी स्क्वायर माइनस एट सी प्लस एट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, वन पुट करेंगे और माइनस जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना होगा, एफ ऑफ जीरो होगा इलेवन, और वन पुट कर देते हैं तो इट इज वन माइनस फोर प्लस एट प्लस इलेवन, तो भाई इलेवन से इलेवन कट जाएगा, डिनोमिनेटर में वन है उसे छोड़ दो, तो ये कितना हो गया, दिस इज नाइन फाइव, ये फाइव हो गया, फाइव इधर आएगा तो थ्री हो जाएगा, तो एट सी प्लस थ्री बचा, अब आपको दिख रहा हो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फैक्टराइज कर लें, कैसे, धनाचार प्रिंसिपल लगाएं, सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर
माइनस फोर ए सी मतलब 36 बाय 2a मतलब 6, सी इज इक्वल टू ये हो गया 8 प्लस माइनस, इसमें से भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 4, दोनों से 4 कॉमन निकालो तो रूट के बाहर आएगा 2, ये हो गया 16 और ये रह गया माइनस 9 बाय 6, सो सी इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट 7 बाय 6, ठीक है यहां तक। अब अगर मैं अच्छा सॉरी ये 2 हटा तो ये भी 4 हो जाएगा, मेरी गलती, c इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 7 बाय 3, ऐसा आ जाएगा। अब ये प्लस दिया नहीं है, माइनस वाला दिया है, तो 4 रूट 7 बाय 3, सेकेंड ऑप्शन सही है। मेरी ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देन हाँ भाई रूल्स भी आ गई है, जो आ रहा है उसे आने दे। बोल रहा है क्या कि c इज अ पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन दिस, ठीक है, इन बिटवीन 3 to 4। अब क्या होता है, रोल्स थ्योरम होता है कि f ऑफ a बराबर होता है f ऑफ b के, एंड ऑल्सो बाय द रिजल्ट f डैश c क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, c की c वो वैल्यू होता है यहां पर f डैश c 0 होता है इन बिटवीन ऑफ ए टू बी, ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ई मतलब एफ ऑफ फोर बराबर होगा एफ ऑफ थ्री के, ठीक है, तो एफ ऑफ थ्री, तो मैं ऐसे लिख देता हूं ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स की जगह ए, ए की जगह थ्री, यहां पे मैं लिख देता हूं बेटर रहेगा, यहां पे लिख देता हूं ये है एफ ऑफ थ्री वाई और ये है एफ ऑफ फोर, ठीक है, तो एफ ऑफ थ्री लॉग ऑफ थ्री पुट करो भाई एक्स की जगह, सो इट इज 9 प्लस ए बाय 7 इंटू 3 इक्वल टू लॉग ऑफ दिस इज 4, सो इट इज 16 प्लस ए बाय 7 इंटू 4, लॉग हट जाएगा, लॉग हटा दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस ए बाय 3 इक्वल टू 16 प्लस ए बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 प्लस 4 ए इक्वल टू 48 प्लस 3 है, तो व्हाट वी गेट, वी गेट ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू 48 माइनस 36 इट इज 12, तो ए की वैल्यू भाई आ गई है 12, पहली बात। अब आपको कुछ भी नहीं बचा है, अब आपको केवल और केवल दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डबल डैश सी मांग रहा है और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, तो पहले सी की वैल्यू निकालो, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, प्यार मोहब्बत से बनाए, कोई गलती नहीं होगी, माइनस लॉग, ठीक है बच्चों, ये लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, अब हमने ऐसे लिख लिया, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए का 2x माइनस 1 अपॉन 7x और 7x का 7, 7 से 7 कैंसिल, अब इसको करना है 0, तो ये जिस वैल्यू पर 0 होगा दैट इज कॉल्ड सी, एफ डैश सी 0 होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 2x, एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए और इक्वल टू 0 आ जाएगा, a की वैल्यू 12 है तो x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 12 आ गई है, या x की वैल्यू हमें रखनी होगी कहीं तो हम रख देंगे, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डबल डैश x, अब हमें x की वैल्यू जो भी आई है, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 12 वो पुट करके f डबल डैश c की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिवीजन रूल लगेगा भाई, डिवीजन रूल लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर, देखते चलना, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस ए का डेरिवेटिव 2x और इसका हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करें, जरा 2 कॉमन निकालना, 2 कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा क्या, a माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब जरा देखना, a की जगह क्या था, a की जगह तुम 12 डालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 क्या था, 0 था, अरे एक्स स्क्वायर की जगह भी 12 डालना है, a की जगह भी 12, तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, 0, तो केवल आपको एक्स स्क्वायर की जगह यहां पे 12 लिखना है, सो इट इज 1 बाय 12, तो आंसर इज 1 बाय 12, सेकेंड ऑप्शन। मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार इसे पॉज करके खुद से बनाएं और फिर सोचें, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देन हाँ भाई क्या बोल रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसमें खास बात है, इसमें गलतियां हो सकती हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, इसमें इसने एफ एक्स
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोला है, ध्यान से सुनना, इसने एफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोला, इसने एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला है, अंडरस्टैंड, आप ध्यान से पढ़ें, इसने ये नहीं बोला है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इसने बोला है एफ डैश एक्स। अगर हमसे एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। अगर हमसे एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो हम ये चेक करेंगे कि उसका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव कब हो रहा है और नेगेटिव कब हो रहा है, क्लियर है। तो यहां पर पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करता हूं मैं कैसे, ये था एफ एक्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स। अब आपको पहले प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, मैं प्रॉपर्टी यहां पर लिखता हूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाए माइनस कॉस इनवर्स। तो सबसे पहले मैंने ये लगाया तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा पाए माइनस कॉस इनवर्स साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक। अब एक और प्रॉपर्टी लगाता हूं ये कॉस हटाने के लिए कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाए माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स के प्लेस पे ये पूरा लिखा है, समझ रहे हैं, एक्स के प्लेस पे पूरा है, तो कॉस इनवर्स एक्स इज नथिंग बट एक्स इंटू पाई माइनस पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन मॉड ऑफ। अब आप लोगों को सबको बताओ साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में क्या देता है, एक्स देता है, तो ये हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसा आ गया एक्स इंटू पाई बाई टू प्लस मॉड ऑफ। अब थोड़ी सी इसे हिम्मत बढ़ाएं इसकी, ठीक है, और खुद की भी हिम्मत बढ़ाएं, कुछ भी नहीं करना है, x पॉजिटिव के लिए एफ एक्स के दो केस बनेंगे, मॉड हटाना है, तो एक बार मैंने x नेगेटिव लिया, एक बार x पॉजिटिव लिया, ठीक है, क्योंकि हमसे जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर के लिए पूछा गया है, तो हम जीरो से लेस मतलब जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में ही ले रहे हैं क्योंकि इंटरवल वही है, तो यहां पर जीरो से लेस के लिए अगर हम ले रहे हैं तो जीरो से लेस में एक क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो यह आ गया है पाए एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं तो मॉड ओपन x का मल्टीप्लाई, सो पाए एक्स बाई टू प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें एफ एक्स से मतलब ही नहीं है, एफ डैश एक्स पर चलो डिफ्रेंशिएट किया, क्या बना पाए बाई टू माइनस टू एक्स पाए बाई टू प्लस टू एक्स। आपको बता दूं हमें इससे भी मतलब नहीं है, क्यों, एक्स तो वो फंक्शन आया जिसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है, आप समझने की कोशिश करें, एफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना होता तो हम देखते कि एफ डैश एक्स कहां कहां पॉजिटिव कहां कहां नेगेटिव, लेकिन हमें एफ डैश एफ एक्स के बारे में नहीं पता करना, हमें एफ डैश एक्स के बारे में पता करना है, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, अब इसे देखो ये कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, तो ये करेंगे तो ये माइनस टू एंड दिस इज टू, तो आपको दिखना चाहिए कि x की वैल्यू नेगेटिव के लिए f डबल डैश x नेगेटिव है, अगर f डबल डैश x नेगेटिव है इसका मतलब f डैश x डिक्रीजिंग है, तो जीरो से लेस के लिए फंक्शन क्या है, जीरो से लेस के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, f डैश x डिक्रीजिंग है, और जीरो से आगे मतलब जीरो से पाई बाई टू के लिए f डबल डैश x पॉजिटिव है, मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, हां जी क्या बोल रहा है, दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द कर्व एट द पॉइंट दिस, ठीक है, ऑन द नॉर्मल टू द कर्व दिस, तो ये जो कर्व दिया हुआ है इसकी जो नॉर्मल है एट पॉइंट टू कॉमा टू, टू कॉमा टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, फोर एंड फोर टू सा एट ट्वेल्व ट्वेल्व, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके जो नॉर्मल होगी, इसकी जो नॉर्मल होगी एट पॉइंट दिस, वो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और उसकी ओरिजिन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बतानी है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इसे आप टी इक्वल टू जीरो से भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, बट ठीक है हम डिफरेंशिएशन से बनाते हैं, इट इज टू एक्स टू टाइम्स ऑफ वन इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस
6y y डैश = 0। देखते चलना, पॉइंट पुट करते हैं, 2, 2 2 तो चलो ठीक है, 2 रखा, 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 y डैश माइनस 12 y डैश इक्वल टू 0। पूरे में से 4 निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकालो, पूरे में से 4, 1 प्लस y डैश माइनस 3 y डैश इक्वल टू 2, सो इट इज 2 y डैश इक्वल टू 2, तो y डैश आ गया वही 1। लेकिन ये किसका आया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, ठीक है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, माइनस 1, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है। आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आप ट्रिक सीखना चाहें तो, अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है और आप लाइन की इक्वेशन एक ही लाइन में निकालना चाहते हैं तो दिमाग में रखें, स्लोप अगर नेगेटिव हो तो बीच में प्लस लगाएं, स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो बीच में माइनस लगाएं, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, स्लोप नेगेटिव है तो एक्स और वाई के बीच में प्लस लगा रहे हैं, ऊपर वाला 1 कोफिशियंट एक्स का है तो एक्स को दे दिया, 1 कोफिशियंट वाई का है तो वाई के आगे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा, ये आ गया। मैं रिपीट करता हूं, अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में प्लस, स्लोप पॉजिटिव है तो बीच में माइनस लगाएं, ऊपर वाला टर्म कोफिशियंट था एक्स का तो एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिया, वाई का कोफिशियंट है वाई के आगे भी कुछ नहीं लिखा 1 लिखा, ये आ गया। अब अगर आपको कॉन्स्टेंट टर्म निकालनी है तो माइनस साइन लगाएं और ये 2, 2 पॉइंट इसी में पुट कर दें तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब यहां पे 2 रखा, 2 प्लस 2 कितना हो रहा है 4, तो यहां पे 4 लिख दें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन विच इज नॉर्मल। बात क्लियर हुई, इतना करने के बाद हमने 2, जो भी आता है वो पॉइंट इसमें पुट कर दें, माइनस लगा के तो वो कॉन्स्टेंट दे देता है। देन ये ट्रिक है छोटी सी, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस तो मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 4 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो इट इज रूट 2, सो इट इज 2 रूट 2, फोर्थ ऑप्शन सही है। मेरी बात समझ में आई होगी सबके, ठीक है, क्लियर है सबको, आइए आगे बढ़े। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, दैट मेल्ट, मेल्ट बाद में, पहले एक आयरन बॉल थी और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली आइसक्रीम हमने कोट की है, तो ये जो बन रहा था इसकी रेडियस दी हुई है कितनी 10, और ये जो विड्थ थी, मान लो जो आइसक्रीम की विड्थ है मान लो ये x, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो थिकनेस है ये मेल्ट हो रही है, किस वॉल्यूम से, इस वॉल्यूम से, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल लो भाई, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, दोनों क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक बोल रहा हूं, दोनों स्फेरिकल हैं, ठीक है, तो 4/3 पाई पूरे सर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, मतलब एक्स प्लस 10 होल क्यूब, ये पूरे का वॉल्यूम आया और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, अंदर जो आयरन बॉल है उसको, तो 4/3 पूरे में से कॉमन निकाल लिया, माइनस 10 क्यूब, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, मतलब मैंने दो वॉल्यूम को, पूरे वॉल्यूम में से आयरन का वॉल्यूम माइनस कर दिया है स्फेरिकल बॉल का, तो यहां पर हमें जो मिला है वो वॉल्यूम मिल गया है किसका, आइसक्रीम का। अब ये मेल्ट हो रही है तो मतलब डीवी बाई डी टी क्यों, ये आइसक्रीम का वॉल्यूम आ गया भाई, दिस इज आइसक्रीम वॉल्यूम, डीवी बाई डी टी दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, आप चाहें तो इसमें माइनस लगा सकते हैं क्योंकि मेल्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जो उसके बाद ये बोल रहा है कि थिकनेस, जब थिकनेस मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर, देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम डिक्रीजेस, मतलब dx by dt पूछ रहा है, जो थिकनेस है आइसक्रीम की वो मेल्ट हो रही होगी जिस रेट से, तो फिर अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, dx by dt भी नेगेटिव आएगा, या आप जानते हैं कि नेगेटिव इसने तो पॉजिटिव में लिया है तो आप ऐसे ही चलने दें, तो डीवी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करें क्या होगा, 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 होल स्क्वायर और x का डेरिवेटिव x प्लस t का डेरिवेटिव dx by dt, और ये मार्क है तो 0 हो जाएंगे, यहां तक आ गए, अब वैल्यू पुट करें एंड एंजॉय, सो दिस इज 50 4/3 इनटू पाई इनटू 3 x, x की वैल्यू क्या दी है, थिकनेस कितनी दी है 5, सो इट इज 15 इनटू 15, ठीक, तो ये 3 से 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये निकालना है, ये क्यों भूलेंगे, सो इट इज 3 इंटू 3 25, 2 सा 2 से 2 जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ रहा है भाई, देखो क्या क्या बचा है, यहां पे तो कुछ नहीं बचा,
ये तो खत्म, ये बचा 3 × 9 = 18 pi, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट में, तो 1/18 pi बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट प्रॉब्लम, हाँ बढ़िया प्रॉब्लम, मैंने जानबूझ के लिया है, जेईई एडवांस में कई बार यूज हुआ है, मेंस में भी अब आने लगा है। तो देखें, बोल रहा है 0 से 2, ये कॉमा नहीं लगा होगा, ठीक है मैं हटा देता हूं। हाँ 0 to 2 यहां पर, ठीक है 0 to 2 क्लोज टू आर बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, बच्चों अभी अभी बताया था एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, इसके बीच में जो इंटरवल दिया है 0 से 2 के बीच में, ठीक है, और फाइव एक्स इक्वल टू ये दिया है तो फाइव एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो भाई फाइव डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो मैंने फाइव डैश एक्स निकाला, क्या हो गया चेन रूल, ये तो एफ डैश एक्स ही होगा, इसमें चेन रूल लग जाएगा, पहले होगा एफ डैश 2 - x और 2 - x का -1, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2-। अब भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, अब ये पॉजिटिव होगा कब, जब ये इससे बड़ा होगा, अब हमें यही निकालना है ये इससे कब बड़ा है और ये इससे कब छोटा है, तो पहले देखो कि बड़ा छोटा तो बाद में देखेंगे, बराबर कब है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब अंदर का डोमेन सेम हो, मतलब एक्स जब 2 - x के बराबर हो तब दोनों बराबर होंगे, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 1 पर दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, मतलब फाइव डैश एक्स 0 हो रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी दे रहा है वो कहां पे दे रहा है, 1 पे, ठीक है, तो हम 1 से छोटे और 1 से बड़े के लिए बात करते हैं, ठीक है, कैसे, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ली, इन्होंने भी इसलिए 1 से 2 के बीच में ही केसेस बनाए हैं, ठीक है, 0 से 1, 1 से 2 के लिए, ठीक है, तो हम भी बना लेते हैं, तो 1 से बड़ा, अगर आपने 1 से ग्रेटर लिया, देखो फाइव डैश एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, फाइव डैश एक्स लिखा हुआ है एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2-, ध्यान से सुनिएगा, अगर x की वैल्यू यहां पर x और 2 - x के बारे में सोचो, आपने 1 से 2 के बीच में मान लो 1.1 ले लिया, अब ये है 1.1 और यहां पर 1.1 लिखा तो ये हो गया 0.9, समझ रहे, तो यहां पर क्या होगा, x बड़ा होगा किससे, 2 - x, कुछ भी ले लें आप, x की वैल्यू 1.5 ले ली आपने, 1.5 यहां पर रखा, ये 1.5 है और ये 0.5 है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 से 2 के बीच में ले रहे हैं तो x बड़ा है किससे, 2 - x से, आप इसको ऐसे बिलीव करो कि ये x1 है और ये x2 है, तो अगर x1 बड़ा होता है x2 से और फंक्शन f'x क्या है, इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे f'x1 भी बड़ा होता है f'x2 से, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, तो सेम साइन रखता है डोमेन के साथ, x1 की जगह क्या था x एंड x2 की जगह क्या था x-2, इसका मतलब f'x बड़ा है किससे, f'x-2 से, मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इट मींस फाइव डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इट मींस फाइव एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो फाइव एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, कब, कौन सा केस लिया है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, एक तो ही आ गया, अब ये और ये दोनों केस भी हो सकते हैं, इसलिए हमें 0 से 1 के बीच में भी चेक करना चाहिए, तो दूसरा केस मैंने बनाया 0 से 1 का, अब अगर 0 से 1 ले रहे हैं तो मतलब एक्स क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी, आपने 0.9 ले लिया, ये 0.9 होगा, ये 1.1 होगा, इसका मतलब अब क्या होगा, x जो होगा वो छोटा होगा 2 - x से, मेरी बात समझ में आ रही हो सबको, अब फिर से इसको x1 देखो, इसको x2, और फंक्शन अभी भी क्या है, f'x अभी भी क्या है, इंक्रीजिंग, क्योंकि f" x पॉजिटिव, सो f'x इज इंक्रीजिंग, तो हम कहेंगे f'x अभी भी साइन वही रहेगा, अगर ग्रेटर होता है तो ग्रेटर मिलता है, लेस होता है तो लेस मिलता है, 2 - x, अब अगर f'x छोटा है f'2 - x से, इसका मतलब है ये क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, इट मींस दैट फाइव डैश एक्स नेगेटिव, इट मींस दैट फाइव एक्स इज डिक्रीजिंग, फाइव डैश एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और डिक्रीजिंग हो रहा है फाइव एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये एडवांस में कभी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब मेंस में भी आपके लिए तैयार हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, ये वो
इसमें करीबन 80 करीब प्रॉब्लम आए पिछले 3-4 साल में, और इनमें से मैंने वो 30 क्वेश्चन निकाले जो टफ प्रॉब्लम थे और साथ साथ में थोड़ा अलग लॉजिक रखते थे, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मेरे ख्याल से आप सबको मदद मिल रही होगी, तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि सब कुछ सही रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरिया अंडर द कर्व में। ठीक है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस विल बी एंड, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।